चलो राफ्टिंग। चलो मेरा टूट गया के फरमान पे साइन कर रहे हैं। इतने स्मार्ट मत बोले। Hey guys, welcome back to my vlog channel. कैसे आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप सब भी बहुत बड़े होंगे। सो गाइस, एकदम से प्लान बना है हमारा राफ्टिंग का, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं ऋषिकेश। मेरी थार भी यहीं खड़ी है, पर ये मेरी थार नहीं है। जो है ये पेट्रोल डी मतलब पेट्रोल वेरिएंट है थार का, ऑटोमेटिक, ये लेके जा रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड राठी की है, जो भी आ रही है उसके घर के नीचे खड़ो। इस थार को ले जाने का रीजन ये है कि मेरी थार का ये वाला मेरा टूट गया, तो मैं पहली बार पेट्रोल ऑटोमेटिक थार चलाऊंगा। ये नया वेरिएंट है तो थोड़ा सा अलग है, मतलब नया क्या, मेरे 2 साल बाद वाला है। यहाँ पे बटन दे दिए, कुछ ऐसा है। फुल लड़की ने गाड़ी में देखो ना, हैंडरेस्ट लगा रखा है, पीछे हैंडरेस्ट लगा रखा है, मस्त बना रखी है। महिंद्रा ने ऑटोमेटिक में इसमें भी की लगाई हुई दी है, इन्होंने भी वो नहीं दिया पुश बटन। और पता नहीं यार, अजीब, अभी जस्ट थोड़ी सी आगे करी तो बहुत अजीब सी साउंड कर, मतलब अजीब सा लग रहा है थार ऐसा ऑटोमेटिक चलाने में। मैनुअल में थोड़ी अलग पावर लगती है, और ये थोड़ी पेट्रोल वेरिएंट भी है शायद इसलिए। और पूरी ट्रिप पे बताऊंगा, जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स है। चलो राफ्टिंग ऋषिकेश, चलते हैं। आज फ्राइडे है तो हम चाहते हैं कि आज जाते हैं, हम आज पहले राफ्टिंग कर लें, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत भीड़ होने वाली है। जल्दी से जाते हैं, आज राफ्टिंग करते हैं, मजे करते हैं, दिखाता हूँ आपको सब। भाई कहीं भी जाओ, पहले हमें तो अमित के यहाँ मत्था टेकना पड़ता है। अमित जी हमारे हर बारी लेट करते हैं, हर बारी। अब उसके यहाँ पे है, उसे पिक करने, और वो भाई साहब गायब है, बुरा हाल है। और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं पहले गाड़ी लगा दूं। कहीं गाड़ी कहाँ लगाऊं यार, मैं खुश रहता हूँ। मैं हंसमुख बच्चा हूँ, खुशी रहता हूँ। क्या कर रहे हो बच्चो? ओहो गुड गुड जॉब, सही। वहाँ कुछ काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल रास्ते में सोते हुए आइए दोनों। गाइस अमित जी कहाँ है वो आप? अमित जी कहाँ हो आप? अरे आप लेट कर रहे हो यार, आप हमारा राफ्टिंग भी हो पाएगी हमारी आपकी वजह से। दिखा दीजिएगा। अच्छा सॉरी, स्कीम बता दी कहाँ चाबी रखी है। हीरोइन बनने के चक्कर में ना हेल्प करेंगे, आते ही चाय बनाने लग गए। पराठे से बचने के लिए चाय चूज करा है इन्होंने की चाय बना ले। चाय अच्छी बनाई है माँ, चाय पी के देखना कैसी बनाई होगी। अच्छी चाय लगी आपको? ठीक लगी, बोलो। सच्ची बताओ? सच्ची बता दी, नुस्सा बिसराऊंगी, मैंने पटवा होगा तू। नहीं नहीं मैं माँ आपसे ऊपर कुछ नहीं, आपसे ऊपर कुछ नहीं, चाय दूसरी चाय वाली आ जाएगी, आप बताओ। बस ठीक है, बच गए बच्चे लोग। अमित ने तो पी नहीं, इसको अमित को पता है जहर बनी होगी। हम चल क्यों नहीं रहे पहले बताओ मुझे। मुझे नींद में तुमने गाड़ी चलवाई इतनी दूर तक। भैया ओ भैया, अमित भैया अच्छा बताना स्टेरिंग कौन सा? मेरे घरों में तो ये होता है, तेरे में ही होगा। अभी तूने क्या किसको स्टेरिंग बताया था इसने पहले? उसको उठा के कह रही स्टेरिंग ऐसे, इसमें ब्रेक कौन सी है? ब्रेक उस साइड होती है, ये यहाँ पर है। उस साइड ब्रेक होती है, हाँ, ब्रेक, ये क्लच, रेस उस साइड है। ये मैं इतना बताया होगा अभी नहीं, कभी कभी मुझे शर्म आती है ऐसी लड़की के पास थार देख के। ये नहीं पता होता कि स्टेरिंग, इसीलिए तो इसने पेट्रोल में लिया। इस पेट्रोल का एक्सपीरियंस थार का बहुत अलग है, बहुत स्मूथ चल रही थी वो ऑटोमेटिक में, ऐसा फील ही नहीं आ रहा, मतलब बोला नहीं आ रहा कि थार चला रहा हूँ, बहुत स्मूथली बहुत प्यार से चल रही है। कैसे बैठे हैं तीन बंदर कैसे बैठे हैं तीन बंदर तीनों बैठे पहली बार लेके निकले हैं जी पेट्रोल, डीजल में ही जाया करते। अब की बार देखो पेट्रोल कैसी एवरेज देगी, है 8-10 किलोमीटर है। अभी हाईवे पे तो निकाल देंगे 12 तक, 8-10 हाईवे पे। यार ये गलत कर दिया, डीजल ही ले आते हैं अपनी। चलो भाई ड्राइवर चेंज होता हुआ, ड्राइवर जी बैठो, पर्ची पकड़ा हुआ आप। वेनिला दे दो, एक ये दे दो, आइसक्रीम दे दो, ऑरेंज वाली, ऑरेंज। ये नॉर्मल ऑरेंज है ना, इसके अंदर दूध तो नहीं है ना? नहीं। हाँ ये कौन सी दो? और एक कुल्फी दे दो, अमित को कुल्फी बहुत पसंद है भाई। सही है, खाओ सो उठो जिंदगी जी रहे हैं अमित। अब इनका ब्रेक चल रहा है, फिर उठते हैं, फिर खाते हैं, फिर मस्त हो जाते हैं। इतने मस्त रास्ते से है ना, यहाँ पे डैम वाला रास्ता है, चीला डैम वाला रास्ता। पापा ने बताया था यहाँ से जाना बेटा जरूर। इसकी शूट की बातें खत्म नहीं होती, यहाँ भी शूट। पागल औरत क्यों होंगे इसके साथ। तो इस ड्रोन से दोस्तों कुछ याद आ रहा है आपको? इस ड्रोन से नहीं, इस रिमोट से। ड्रोन तो दूसरा है, एक बार ये ऐसा उड़ा है ना वो ड्रोन। और ये देखो काली जुबान करी, अगर इस ड्रोन को भी कुछ हो जाए तो मैं जानना चाहती हूँ उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा। उसकी बॉडी मिल गई तो उठा लाया था। हाँ, तो क्या होगा मतलब वो जिस दोस्त से आप लेके आए हो उस दोस्त को नया ड्रोन मिलेगा जिससे लेके आए हो? उस दोस्त से लेके आऊँ? हाँ। भाई प्रथा तो यही कहती है कि अगर कोई नुकसान करो तो आप उसकी भरपाई भी करो, पर मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा।
के यहाँ से पार्क के यहाँ से जब रास्ते से निकलते हैं ना शीला डैम, तो यहाँ पे यहाँ आता है एक पानी वाला एरिया, अगर बारिश वारिश तेज आ रखी होती है तो यहाँ पर होता है बढ़िया पानी। तो पिताजी ने बताया था कि मस्त जगह मिलेगी आपको जाने के लिए, बट यहाँ पे कुछ खास पानी नहीं है। तो हमें लग रहा था घुटने तक का पानी होगा, मैं लेके आया था थार टेस्ट करूंगा इसकी राठी की, कुछ टेस्ट नहीं हो पाई है। अब तो मुझे लग रहा है गंगा में कूदानी पड़ेगी गाड़ी, तभी टेस्ट होगी इसकी। इसमें लगा ले चार बोल पकड़ लेते हैं पैडल से, इसमें मारते हैं भाई चाबुक टपक चप चपक चप। गाइस थोड़ी देर में हमें ऐसे कैद करके ले जाएंगे, ऐसे परिवार के चार सदस्य होकर के लेके जा रहे हैं। अभी हम भी चार ऐसे बैठे होंगे और हमें कौन सा गाना सुनना है बोर्ड में चढ़ने पहले? भोले बाबा दे दे नोट छप्पड़ की मशीन। मैं वो पहन रहा हूँ टी शर्ट पहन रहा हूँ फुल स्लीव्स की, भाई मैं तो ये पहन के चलूंगा। फोन किसका लेके जा रहे हैं? मेरा ले चलो। गाइस मैं तो फुल प्रोटेक्शन कर लिया अपनी फुटबॉल वाली पहन के। मेरे भाई की फर्स्ट राफ्टिंग है, चल ये गाना जिसने सुना ना भाई उसके मुंह से उतरे गाने। सुबह सुन लिया, पूरे दिन इस गाने पे वाइब ले रहा हूँ। गाइस मौत के फरमान पे साइन कर रहे हैं, बहुत जरूरी चीज है। चलो मिनियन सबने हेलमेट पहनो, हेलमेट पहन ले, सेल्फी क्वीन डिंचक पूजा। ये कैसी लग रही है देखिए, प्यारी सी बच्ची लग रही है। साइड ट्यूब पे बैठना इस तरीके से, ये एल्बोस को 90 डिग्री एंगल में रखना होगा, अपना बॉडी आगे लीन करने है जितना आपको हो सके, एंड थर्ड पैडल को पानी के अंदर डुबाना है और पानी को ताकत से पीछे खींचना होगा। आर यू रेडी अगेन? यस सर। तो गंगा मैया की जय। गेट डाउन, गेट डाउन, कम ऑन गो, फास्ट फास्ट फास्ट, यस। ये भी देख रहा पत्थर मेरे यहाँ है। बैक 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 बैक। भोले बाबा दे दे नोट चंपड़ की मजी। मेरा शेर भाई डरा भी रहा है तू यार, ये पागल बच्चे हैं इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहा है, झूले की पड़ी है। झूले पे अभी बोट, अभी बोट पलट गई ना सारे झूले हो जाएंगे, एक बार में झूले हो जाएंगे। फुल फुल नहीं नहीं ऐसा लालच मत करना यार, लालच में ना फिर खाया नहीं जाता। दो करते हैं बड़े वाले वो खाते हैं, गार्लिक ब्रेड भी कर लेते हैं। भाई हालत टाइट हो गई, कल रात सोए नहीं, फिर यहाँ से राफ्टिंग, इसका एकदम से डोमिनोज खाने की क्रेविंग होगी, सब डोमिनोज ढूंढ रहे हैं। 1 किलोमीटर पैदल चल के 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आए डोमिनोज के लिए, यहाँ कुछ खाएंगे फिर उसके बाद कहीं जाएंगे। क्या खाओगे भाई? राफ्टिंग में तो क्रेजी हो गया यार, मजा आ गया भाई बहुत सही। ये देखो जी दो लड़कियों के कपड़े, आउटफिट चेंज कर लिया, इसका भी चेंज उसका भी चेंज उसका, देखो मेरा और मेरे भाई का वही आउटफिट, बस मास्क बदला है। कराली बेचती मुझे पता था कुछ तो आएगा कम बैक। फ्री वाला अमित के डाउट, अमित के डाउट क्लियर है। फ्री वाली बात बताओ क्या है? ऋषि के जाके लूडो खेल रहे हैं हम सारे, की मेरी शर्त लगी है 100 रुपए की। वही मेरी बारी क्यों चली तुझे भाई? सॉरी भाई दो दफा दे, वैसे भी तेरी खुलने वाली है, तो तेरे को कट चुकी है दो बार। चीटर है साले। फार्म हाउस मंगाया कौन सा मंगाया? हां हां फार्म हाउस मंगाया। ओह क्या फ्रंट कैमरा कैसे हो रहा है? फ्रंट कैमरा कैसे होता है? अबे भाई इधर आ, बैठ जा मैं, मेरे को चक्कर आ गया सुन के। ये लड़की सोनी के कैमरे में इस कैमरे में कह रही है इसमें फ्रंट कैमरा कैसे हो रहा है ये कर दे। अरे मेरा मतलब था फ्रंट कैमरा, मतलब मतबल मतबल।
गाइस मैं इससे ना इस बंदे को ढूंढता ढूंढता मर जाता अभी जिंदगी में। ये दूध जलेबी वाला एक ये दे दो और वो दे दो जलेबी। जलेबी कितने? जलेबी दे दो। जलेबी कितनी? अबे हिसाब क्या होता है? अरे पाव टाइप की होती है। पाव ले लें? एक पाव दे दो। ये सब बर्गर बर्गर खाएं बीके वीके के, हमें खाना है ये दूध जलेबी बेस्ट भाई। बहुत मन था मेरे को तो, डर लग रहा था मिले ना। अगर एक शब्द में बोलना चाहे तो ऋषिकेश के बारे में क्या बोलेगी? एडवेंचर। एक शब्द में ऋषिकेश के बारे में बोलना चाहेगी तो क्या बोलेगी? पीसफुल। एक शब्द में ऋषिकेश के बारे में बोलना चाहेगा तो क्या बोलेगा? जय गंगे भैया। मैं ऋषिकेश में मोहित भैया मिले और मैं फर्स्ट टाइम मतलब इनको ब्लॉग में देखता था। इतने स्मार्ट है मतलब बता नहीं सकता प्लीज यार, बहुत एक नंबर। मतलब मैंने ब्लॉग में अलग, ऐसा मैंने नहीं बोला इससे नहीं हाँ, मैंने खुद ने मन से बोला है बहुत अलग है। कह रहे ब्लॉग में ले लो, मैंने कुछ ऐसा बोलो जो लोग नहीं बोलते। पहले तो मेरे को लगा गाली ना देते। सो गाइज होपफुली आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर देना। एक राफ्टिंग के लिए हम इतनी दूर आए और बहुत बेहतरीन रहा, बहुत मजेदार रहा। एंड मैंने फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक पेट्रोल थार चलाई, वो भी बहुत अमेजिंग था। सो कल के ब्लॉग का वेट करो, कल कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाएंगे आपको। एंड होप यू गाइज लाइक इट। जाते जाते लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, लविंग अस। बाय बाय।